नहीं ठीक है।
हाँ भाई, जिथे भी किसी ने जगह थी होंगी है, आराम ना बैठ के सत्संग सुन। प्लीज सिट डाउन वेर एवर यू कैन फाइंड अ प्लेस, प्लीज सिट डाउन क्वाइटली एंड लिसन टू द सत्संग। मैं अपने गुरुदेव सावन कृपाल के चरणों में नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने साढ़े ते बड़ी भारी दया की है, आपकी याद में बैठने का मौका दिता है। I bow down at the holy feet of my beloved Gurudevs, Savan and Kripal, who have showered immense grace upon us, who have given us this opportunity to sit in their remembrance. Guru Nanak de paas kuch siddha ne aake sawal kite ki tusi parmatma dekhya hai ki sachmuch oh parmatma hai. तो गुरु नानक देव जी महाराज कहते, हाँ मैं देखा है, जिस परमात्मा की मैं सिफत करता हाँ वो जा रही दिसदा है, नानक का पातशाह दिसे जा रहा। सम सिद्धास केम टू गुरु नानक एंड आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन दैट हैव यू सीन गॉड, डज गॉड रियली एग्जिस्ट। गुरु नानक साहब रिप्लाइड दैट यस, आई हैव सीन गॉड, ही इज ऑलवेज इन एक्सप्रेशन। नानक सेज that his God is always in expression and he is always seen. ehi sawal kabir sahib te hoya, kabir sahib bhi kehne lage, allah alakh na jaye lakhya, gur gur dina meetha, kahe kabir meri sanka naathi sarv naranjan ditha. The same question was asked to kabir sahib and he said that the untraceable God cannot be traced, or the unseen God cannot be seen with one's own intellect. My beloved master has removed this illusion of mine, he has cleared up this doubt of mine, and in my own within he has made me see that God. ehi sawal mara savan singh tasaude de andar satsang karn vaste jaye gaye, utthe ik pujari ne sawal kita ki tusi parmatma dekhya hai, maharaj ji kende haan guru kripa naal dekhya hai. The same question was asked to Master Savan Singh when he went to a place to do the satsang. One priest came there, a priest of a temple came there and asked him this question, that have you seen God? Master Savan Singh ji replied that yes, I have seen God with the grace of my master. Pyare, eh koi hankar nahi hunda ga, balki eh सच्चाई नूं बयान करदे है संत, जो अखीं देखदे है उही ओह बोलदे है। डियर वंस, दिस इज नॉट एन इगोइज्म, दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द रियलिटी विच द मास्टर्स हैव सीन। मास्टर्स स्पीक ओनली व्हाट दे हैव सीन। तो थोड़े अगे गुरु नानक देव जी का शब्द रखा जाता है, गौर ना सुनो। सो हिम ऑफ गुरु नानक देव जी इज प्रेजेंटेड टू यू, प्लीज लिसन टू इट विद मच अटेंशन। मारू महला पहला पन्ना 1038। यह देखा ते दीन दयाला आए न जाई प्रभ कृपाला। हुण गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, मैं जिधर भी निगाह मारदा हाँ
हर जगह वो परमात्मा ही नज़र आता है, चाहे कोई पशु है, चाहे कोई पंछी है, या औरत है, या मर्द है, या कोई हिंदू है, या सिख है, या ईसाई है, या कोई मुसलमान है, कौम का सवाल नहीं, वो परमात्मा पत्ते पत्ते दे अंदर नज़र आता है। नाउ गुरु नानक साहब से दैट वेरेवर आई लुक आई सी ओनली दैट गॉड प्रेजेंट इन एवरीवन, वेदर इट इज द बर्ड और एनिमल, वेदर इट इज द मैन और वुमन, वेदर इट इज द हिंदू और मुस्लिम और सिख और क्रिश्चियन, द रिलीजन डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, इट डज नॉट मैटर। Wherever I look, in every single leaf, everywhere in this creation, wherever I look, I see that God Almighty present. Parmatma kise nu saza nahi danda, oh Rahim hai, rahm karda hai, rahm da samundar hai. God does not punish anyone. He is Rahim, He is the merciful one, and He always forgives. Kirpa karda hai, oh kripal hai. He showers grace, He is kripal. यह देखा ते दीन दयाला आए न जाई प्रभ कृपाला, जिया अंदर जुगत समाई रेहो आप प्यार ना समझाते हैं, वो सब का राजा है, सब का बादशाह है, वो कुल आलम दे विच रहिंदा होया भी निराला है, निरालम है। He lovingly explains to us that he is king of all, he is emperor of all, even though he lives in this whole creation, but still he is unique. सवाल पैदा होता है, इंसान मरदे है कि वो परमात्मा भी मरदा है? कहन लगे नहीं, वो जमण मरण तो उपर है, वो जीव दे विच, वो इंसान दे विच रहिंदा होया भी न्यारा है, निराला है। द क्वेश्चन अराइजेस, जस्ट लाइक द मैन डाई, डज गॉड ऑल्सो डाई? नो, गॉड नेवर डाइज, इवन दो ही लिव्स विद इन द ह्यूमन बींग्स, बट स्टिल ही इज यूनिक, ही इज नॉट इन्वॉल्व इन द बर्थ्स एंड डेथ्स। जिया अंदर जुगत समाई रेहो निरालम राया, जागत इस की छाया जिस बाप न माया, ना तिस पैन ना प्राओ कमाया। ये संसार की रचना उस परमात्मा ने रची है जिसका ना कोई भाई है, ना बंधु है, ना भैन है, ना भरा है, ना किसी माता पिता ने उसनू पैदा किया है। दैट गॉड हु डज नॉट हैव एनी मदर और फादर, हु डज नॉट हैव एनी सिस्टर और ब्रदर, ही हु हैज नॉट बीन क्रिएटेड बाई एनी वन, दैट गॉड हैज क्रिएटेड दिस क्रिएशन। जग तिस की छाया जिस बाप न माया, ना तिस पैन ना प्राओ कमाया, ना तिस ओपत खपत कुल जाती अजरावर मन पाया। ना उत्पत हुंदा है, ना हो लय हुंदा है, ना वो बुढ़ा हुंदा है, ना वो जवान है, ना वो बच्चा हुंदा है। Neither he is created nor he is dissolved, neither he is young nor he is old, neither he is a child nor he is grown up. ना वो परमात्मा किसी खास औरत का है, ना किसी खास मर्द का है, ना किसी समाज का है, ना वो परमात्मा किसी मुल्क का ही है। God doesn't belong to any particular man or woman, he does not belong to any particular religion or community. परमात्मा पर्सनल किसी की भी जायदाद नहीं गी, वो सब का है, जेड़ा उन्हें याद करता है वो उसे का ही है। God is not a personal property of anyone.
he belongs to everyone. Whosoever remembers him with love, he belongs to him. औरत याद करे, मर्द याद करे, बच्चा करे, बुढ़ा करे, जवान करे, कोई भी उसनु याद करे, ईसाई करे, सिख करे, हिंदू करे, मुसलमान करे, कोई भी उसनु याद करे, वो परमात्मा उसदा है. May a woman remember him or a man remember him. May a child remember him or an old man remember him. It doesn't matter if a Hindu remembers him or a Christian remembers him. Whosoever remembers him with love, he belongs to them. Kabir Sahib kehnde hai jaat paat puche na ko har ko paje so har ka ho. Kabir Sahib says that nobody asks you about your religion or the caste. Whosoever meditates or whosoever remembers God, he becomes of his. परमात्मा ये नहीं कहता कि मेरे पास ईसाई हो या मुसलमान ना हो, हिंदू हो, सिख ना हो. कहने लगे नहीं प्यारे हो, वो कहता मैं सारे नाल ही प्यार करदा. कोई मेरे पास आवे तो सही, वो प्यार का समुंदर है, रहम का समुंदर है. God does not say that only the Christians can come to him or the Hindus cannot go to him or only the Sikhs can come to him and the Muslims cannot go to him. He says that no, anyone who wants can come to me. I belong to everyone. The religion, the communities does not make any difference. God Almighty is an ocean of grace. He is an ocean of mercy. Whosoever goes to him, whosoever remembers him with love, he belongs to him. Nante se o pat khapat kul jati ओ अजरा वर मन पाया तू अकाल पुरख नाही सिर काला तू पुरख अलेख आगम निराला. गुरु नानक देव जी महाराज उस परमात्मा की महिमा गाते हैं कि तू अकाल है, तेरे सिर ते काल नहीं गा, काल नु ता तैं पैदा कीता है, तू अगम है, नाराला है, स्वामी है, अनामी है. नाउ गुरु नानक देव जी महाराज सिंग्स द ग्लोरी ऑफ गॉड ऑलमाइटी. ही सेज दैट ओ लॉर्ड यू आर टाइमलेस. काल और द नेगेटिव पावर डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन यू बिकॉज यू योरसेल्फ हैव क्रिएटेड दैट नेगेटिव पावर. यू आर अगम, यू आर अनामी, you are different, you are unique. ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲੇ, ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ. This is the saying of that Mahatma whose inner veil was lifted upon, whose inner vision got opened, who went within and met with their beloved Lord within. This is the saying or these are the words of those Mahatmas. तू अकाल पुरख नाही सिर काला तू पुरख अलेख आगम निराला सत संतोख शब्द अत शीतल सहज पाए लिव लाया. फिर वो परमात्मा गुरु नानक साहब कहिंदे कैसा है, कहिंदे वो शब्द है, शब्द दे विच शांति है. जब सचखंड पहुँच जाने हैं शांति मिल जाती है. इस दुनिया दे विच बड़ी ही लोगों ने कोशिश की शांति ढूंढने की, ना इत्थे हुकूमत विच शांति है, ना धन दौलत दे विच शांति है, ना इत्थे विषय बकारा विच शांति है. तो गुरु साहब कहते वो शांति है, वो शब्द है. मोर ओवर गुरु नानक साहब सेज दैट हाउ इज दैट गॉड. ही रिप्लाइज दैट गॉड इज शब्द एंड शब्द एंड इन शब्द देयर इज पीस. व्हेन वी गो इन टू द शब्द वी गेट द पीस. इन दिस वर्ल्ड देयर इज नो पीस एनीवेयर. Neither there is peace in the wealth, nor there is peace in getting the kingdoms and the other materials of this world. There is no peace in reading or writing or doing any other things or the rites and rituals of this world. The peace is only in the Shabad. The peace is only when we go and become one with the Shabad. Guru Nanak kehnde hai, main oh shabd ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਉਣ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਿਖਣ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੇਜ਼ ਦੈਟ ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ
talking to you or I am not telling you about that shabad which can be sung or which can be written. मैं तो वो शब्द दी मैं मारदा हां जेड़ा बिना लिखया कानून है बिना बोली भाषा है. I praise that shabad which is an unwritten law and unspoken language. सत संतोख शब्द अत शीतल सहज पाए लिव लाया त्रैवरताए चौथे करवासा काल विकाल किए इक ग्रासा. जदो से अभ्यास करके आत्मा तो अस्थूल सूक्ष्म तिन्ने पर्दे ला लेने हैं अंदर सचखंड दे विच पहुँच जाने हैं सहज अवस्था प्राप्त हो जाती है थले दी रचना दा अपने आप ही पता लग जाता है. When we remove this three covers physical astral and causal from our soul by doing the meditation and go within and reach our real home then we easily come to see the condition of the lower worlds. त्रैवरताए चौथे करवासा काल विकाल किए इक ग्रासा निर्मल ज्योत सर्व जग जीवन गोरे अनहद शब्द दिखाया. हुण गुरु नानक साहब कहिंदे है कि मैनू किस तरह गुरु ने दिखाया. सब तो पहला उन्हें सिमरन दिता कि भई सिमरन करके नौ द्वारे खाली कर अखां दे पिछे आ कहन लगे वो जोत और प्रकाश दे विच आ फिर अगे अनहद शब्द जेड़ा कि दिन रात नुकारां दे रहा है इस वास्ते आप कहने लगे ओ शब्द दे जरिए नाम दे जरिए मैंने वो परमात्मा ने दिखाया. नाउ गुरु नानक साहब से दैट हाउ डिड माई मास्टर मेक मी सी गॉड. ही से दैट फर्स्ट ऑफ ऑल माई मास्टर गेव मी द सिमरन एंड ही टोल्ड मी टू डू द सिमरन एंड वेकेट द नाइन ओपनिंग्स एंड कम बिहाइंड द आईज एट द आई सेंटर ओवर देयर देयर वाज द लाइट and beyond the light there was the shabad that limitless shabad which is coming from our eternal home and day and night that shabad is sounding within us. So here he says that my beloved master through that shabad made me see that god almighty. sant mahatma suniya sunaiyan gallan nahi karde ge jo kuch unna ne zindagi de vich kita hunda hai apne guru di kripa na prapt kita hunda hai oh ohi bayan karde hai. saints and mahatmas do not talk from the hearsay. Whatever they have done in their own life, whatever they have achieved through the grace of their master, they talk only about those things. ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਕਦੇ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਅਭਿਆਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ 10 ਸਾਲ 15 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਜਾਂ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਲਾਏ. Often I have said that before going to the feet of any Mahatma, you should first read about his life, whether he has done any meditation in his life or not, whether he has lived a practical meditative life or not, whether he has spent 10-20 years of his life searching for God Almighty or not. Aaj tak jitne bhi param sant sansar vich aaye hain, Guru Nanak, Kabir, Maulana Rum, Samast Dareej, Baba Jaimal Singh, Maharaj सावन सिंह महाराज कृपाल सिंह सारे संतों की हिस्ट्री पढ़ के देखो उन्होंने किनिया किनिया मेहनत कीतियां किन्ना किन्ना उन्होंने संयम रखिया. रीड द हिस्ट्रीज ऑफ ऑल द परम संत्स हु हैव कम इन दिस वर्ल्ड अप टू दिस डेट गुरु नानक साहब कबीर साहब मौलाना रूम शमस तबरेज़ एंड ऑल द मास्टर्स. रीड देयर हिस्ट्रीज एंड सी दैट हाउ मच सैक्रीफाइसेस दे मेड हाउ मच मेडिटेशन दे डिड एंड फॉर हाउ मच टाइम दे सर्च्ड फॉर गॉड and they practice their meditations. So Guru Nanak Sahib kende galli kine na paya. So Guru Nanak Sahib says that no one has achieved him through talking. Tusi name bhajna vich padde ho
गल्ला दा मजबून नहीं कोई भी करके देखे इन द न्यू भजन यू वुड हैव रेड दैट दिस इज नॉट द मैटर ऑफ टॉकिंग एनीवन हु डज इट कैन सी इट संत ये नहीं कहते कि असी भाई कामयाब होए तुसी नहीं हो सकते वो कहते कोई भी ये प्रैक्टिस कर सकता है देख सकता है अंदर जा सकता है शांति नु प्राप्त कर सकता है मास्टर्स डू नॉट से दैट वी हैव डन इट एंड यू कैन नॉट डू इट दे से दैट नो एनीवन हु डज इट कैन हैव इट एनीवन हु डज द मेडिटेशन कैन गो विद इन सी द थिंग्स विद हिज ओन आईज एंड कैन गेट द पीस सिख दी श्रद्धा जरूरी है सिख दे अंदर अटुट प्यार गुरु वास्ते श्रद्धा जरूरी है और मेहनत का भी सिख चोर ना होवे गुरु नु साथ लेके ही अंदर जा सकता है द फेथ ऑफ द डिसाइपल इज वेरी इंपॉर्टेंट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डिसाइपल टू हैव एन अनब्रेकेबल लव एंड फेथ इन द मास्टर एंड ओनली taking his master along with him only accompanying the master can a disciple go within nirmal jyot sarab jag jivan gore anad shabd dikhaya उत्तम जन संत पले हर प्यारे हर रस माते पार उतारे संसार विच कौन उत्तम है वो संत महात्मा जिन्हां ने अंदर वड़ के वो शब्द नू प्रगट कर लिया शब्द रूप हो गए है Who are the best ones in this world? Only those saints and mahatmas, those who have gone within, and after going within, those who have manifested the Shabad Naam within them. अगर परमात्मा दा कोई प्यारा है, तो वो महात्मा ही उसके प्यारे होंदे है. If there is any beloved of God, those mahatmas are the only beloveds of God. जो महात्मा नाल प्यार करदे है, वो भी उस परमात्मा दे प्यारे होंदे है, क्योंकि प्यारे दा प्यारा भी प्यारा होंदा है. Those who love such mahatmas. They also become the beloveds of God because a dear one of the beloved is also beloved. Uttam jan sant pale har pyare har ras mate par utare nanak ren sant जन संगत हरे गुर प्रसादी पाया आप प्यार ना कहंदे है मैं संतां दी भी पैरां दी धूड़ी वर्गा नहीं गा मैं उन्हां दी संगत दी बड़ी कदर करदा हां संगत दी कदर किनू होएगी जिनू गुरु दी कदर होएगी इस वास्ते मैं गुरु दी कृपा नाल उस परमात्मा नू पाया है Lovingly he said that I am not even like the dust of the feet of the masters. I have much appreciation for his sangat in my heart. Who will appreciate the sangat of the master? Only he who loves the master. Nanak ren sant jan sangat hare gur prasadi paya तू अंतर जामी जीय साब तेरे तू दाता हम सेवक तेरे थोड़ा प्यार ना कहंदे है तू अंतर जामी है तू दाता है असी तेरे सारे सेवक हैं किस तरह अंतर जामी है उनु सब जिया जंत दा पता है कि किदे दिल अंदर मेरे मिलने दा शौक है कौन मैनू मिलना चाहुंदा है उस दी अंदरों चाबी मरोड़ के पूरे महात्मा दे कोले लेउंदा है Now lovingly he said that O Lord you are the all conscious one you are the giver and we all are your disciples how is he all conscious one because he knows about everyone he knows about all the creatures he knows that within whose heart The desire to meet him is there, and those who have the desire to meet him
they are encouraged or inspired by him, and by one way or another they are brought to the feet of the master. Mahatma naam di daat danda hai. Masters or the Mahatma gives us the gift of the naam. Tu antaryami ji sab tere tu data hum sevak tere amrat naam kripa kar dije gur gyan ratan di paya. Aap kende naam da daan kripa karke apni dinda hai aur sachcha ratan naam da guru to dwanda hai, guru hi dinda hai. Now he said that he gives the gift of the naam, or he gives the donation of the naam, showering grace, and he makes the master give the gem of naam. Master is the one who gives us the wealth of naam. Main Maharaj Savan Singh da keha hoya bachan kai dafa darona hunda hai, oh kende hunde sige ke assi kenne assi naam ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਡੇਰੇ, ਕੌਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੈ, ਜਦ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ. ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਕਤ, ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ. ਮੈਨੀ ਟਾਈਮਸ ਆਈ ਹੈਵ ਰਿਪੀਟਿਡ ਦ ਵਰਡਸ ਆਫ ਬਾਬਾ ਸਾਵਨ ਸਿੰਘ. ਹੀ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਸੇ ਦੈਟ ਪੀਪਲ ਸੇ ਦੈਟ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਦ ਡੇਰਾ ਟੂ ਰਿਸੀਵ ਦ ਨਾਮ ਇਨੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ. Who says so? Only those whose eyes are not opened. When our eyes get opened, then we come to know that there was some power who was sending us to the Dera or to the Master to receive the initiation, and there was some power which was pulling us towards him. In the same way, people say that they go to the Dera for attending the Satsang. Only those people whose eyes are yet closed say that when their eyes get opened, they say that there is some power who is sending us to the satsang, and there is some power which is pulling us to the satsang. Amrat naam kripa kar dije gur gyan ratan di paya panch tat mil e tan kiya राम पाए सुख थिया. होना प्यार ना कहंदे है साडा शरीर पंजा तत्तां दा पुतला है, हवा है, आग है, पानी है, अग्नि है, आकाश है, और अगर शब्द प्रगट हो जांदा है ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਪਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਪਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ. ਨਾਓ ਲਵਿੰਗਲੀ ਹੀ ਸੇ ਦੈਟ ਅਵਰ ਹਿਊਮਨ ਬਾਡੀ ਇਜ਼ ਐਨ ਆਈਡਲ ਮੇਡ ਅਪ ਆਫ 5 ਐਲੀਮੈਂਟਸ, ਦੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਫ ਅਰਥ, ਵਾਟਰ, ਫਾਇਰ, ਸਕਾਈ ਐਂਡ ਈਥਰ, ਐਂਡ ਇਫ ਦ ਸ਼ਬਦ ਇਜ਼ ਮੈਨੀਫੈਸਟਡ ਵਿਦ ਇਨ ਅਸ, ਦੈਨ ਵੀ ਗੈਟ ਦ ਪੀਸ. ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਮ ਇਨ ਦਿਸ ਵਰਲਡ ਬਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਵੀ ਗੋ ਫਰੋਮ ਦਿਸ ਵਰਲਡ ਬਰਨਿੰਗ. ਪੰਚ ਤਾਤ ਮਿਲ ਇਹ ਤਨ ਕੀਆ ਆਤਮ ਰਾਮ ਪਾਏ ਸੁਖ ਥੀਆ ਕਰਮ ਕਰਤੂਤ ਅਮਰਤ ਫਲ ਲਾਗਾ ਹਰ ਨਾਮ ਰਤਨ ਮਨ ਪਾਇਆ ਨਾ ਤਿਸ ਭੂਖ ਪਿਆਸ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਸਰਬ ਨਿਰੰਜਨ ਕਟ ਕਟ ਜਾਣਿਆ. ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਿਆਸ ਹੈ,
ना कोई दुख है ना कोई सुख है, जेडे उसनु प्रगट कर लेंदे है उन्हां दी भी यही हालत होंदी है। Now Guru Nanak Sahib said that God does neither has hunger nor he has thirst. He does not have pain, he does not have any happiness. Those who manifest such God within them, their condition also becomes like God. ना तेस भूख प्यास मन मान्या सर्ब निरंजन काट काट जान्या अमृत रस राता केवल बैरागी गुर मत पाए ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਮਰ ਦਾ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਮਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਹੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। Now lovingly he says that in our within is juice of the nectar, our soul gets the support from that nectar. ਮਨ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਰਸ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਵਿਰਾਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਬਕਾਰ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈ, ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਗੇ। ਜਦ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਵਿਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਖਾਵੇ ਦਾ ਵਿਰਾਗ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਖਾਵੇ ਦਾ ਵਿਰਾਗ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੱਚਾ ਵਿਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। When the mind gets to drink that nectar, the renunciation is created or we become renunciate. Before, our mind likes to indulge in the pleasures and the passions, and the renunciation which we may have is just for showing off. It is not the real renunciation, but when our mind gets to drink that nectar of the within, then all those desires for the pleasures go away and the true renunciation is created within us. अमृत रस राता केवल बैरागी गुर मत पाए सो पाया अध्यात्म कर्म करे दिन राती निर्मल ज्योत निरंतर जाती शब्द रसाल रसन रस रसना बेण रसाल वजाया बेण रसाल वजा त्रिपवन सो जी होई नानक बूजो ए बिद गुर मत हर राम नाम लेव लाया। वैसे ता जो भी परमात्मा नु किसी भी तरीके ना याद करता है वो अपने आप नु यही समझता है कि मेरी ही गुरमत सही है, यही गुरमत है। एनीवे हूएवर रिमेंबर्स गॉड ऑलमाइटी इन हिज ओन वे ही थिंक्स दैट हिज पाथ और हिज प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेटिंग और हिज प्रैक्टिस ऑफ रिमेंबरिंग गॉड इज द ट्रूएस्ट पाथ। लेकिन गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं नहीं भी प्यारे, जदों असी अंदर जदों असी अपनी मत नूं छड के गुरु की मत के उत्ते चलते हैं ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਦੈਟ ਨੋ ਡੀਅਰ ਵਨਸ ਵੈਨ ਵੀ ਗਿਵ ਅਪ ਅਵਰ ਓਨ ਪਾਥਸ ਐਂਡ ਫੋਲੋ ਦਾ ਪਾਥ ਆਫ ਦਾ ਮਾਸਟਰਸ ਓਨਲੀ ਦੈਨ ਕੈਨ ਵੀ ਕਲੇਮ ਦੈਟ ਵੀ ਆਰ ਫੋਲੋਇੰਗ ਦਾ ਪਾਥ ਆਫ ਦਾ ਮਾਸਟਰ। ਨਾਨਕ ਬੂਜਾ ਇਹ ਬਿਦ ਗੁਰ ਮਤ ਹਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਿਵ ਸਾਰੇ ਗੁਰ
शब्द विचार रहे निरारे। हुण गुरु नानक देव जी कहिंदे है ये नहीं कि दुनिया विच कोई है ही नहीं गा कोई ऐसा महात्मा, कहन लगे नहीं विरले विरले महात्मा है, जग में उत्तम कढ़िए विरले के इके। Now Guru Nanak Dev Ji Maharaj say that it is not true that such masters do not exist in this world. Such masters do exist in the world, but they are few. He says that rare are the best ones in this world. Maharaj Kripal kehnde hunde si sachai da binash nahi hunda ga, sachai hai lekin dekhne wale chahide hai. Master Kripal used to say that the seed of the truth never gets destroyed. The truth always remains there, but those who can see the truth is what is needed. कोटन में को जो भजन राम को पावे। There is one out of millions who does or who gets the meditation of Lord. ऐसे जन विरले संसारे गुर शब्द विचार रहे निरारे। आप तरे संगत कुल तारे तिन सफल जन्म जग आया। थोड़ा प्यार ना कहिंदे है ऐसे विरले संसार विच उत्तम हन जो शब्द नाम की कमाई करते हैं, शब्द नाम की कमाई करते हैं, शब्द नू प्रगट करते हैं, कहन लगे वो आप तर जाते हैं, अपनी कुल नू तार लेंदे हैं, अपनी संगत नू तार लेंदे हैं, उन्हां दा ही दुनिया विच आउणा मुबारक है, सफल है। Lovingly he says that rare are the best ones in this world. Those who do the meditation of the Shabad, those who manifest that Shabad within them. In this world, there are those who do the meditation of the Shabad and manifest the Shabad within them. They liberate their whole generation, they liberate their whole family, and also they liberate their whole Sangat. ऐसे आके मदान जित जाते हैं, ऐसे सूर में बच्चे मामा जन्म दिया हन। कबीर साहब ने कहा सी जननी जने ता भगत जन या दाता जा सूर नहीं ता जननी वाज रे काहे गवाए नूर। ओनली सच महात्मास कमिंग इनटू दिस वर्ल्ड इज सक्सेसफुल, ब्लेस्ड इज देयर कमिंग इनटू दिस वर्ल्ड। सच मास्टर्स और सच सेंट्स कम इनटू दिस बैटलफील्ड एंड दे वन दिस बैटल, दे कम एंड दे बिकम सक्सेसफुल। कबीर साहब हैड सेड that if a mother wants to give birth to a child, she should give birth to a warrior or to a saint or to a giver. If she cannot give birth to either of this, it is better for her to remain without giving birth. Guru Arjan Dev Ji Maharaj ne keha hai, tan tan kul, tan tan janani, jin guru jane amaye, tan tan satguru ji ne naam agra deya, aap tarya, jinna ditha, tinna lay shudai. Guru Arjan Dev Ji Maharaj says, Hail, hail that family, hail, hail to the mother who has given birth to a Sadguru, and hail, hail that Sadguru who did the meditation of the Shabad, who himself freed himself from the bonds and who liberated the whole Sangat. Aap tare Sangat kul tare तिन सफल जन्म जग आया। कर दर मंदर जाने सोई जिस पूरे गुर ते सोजी होई। साडा कर सचखंड है, साडी आत्मा सतनाम दी अंश है, एदी सोझी सानू कदों हुंदी है कि साडा केड़ा घर है, किहदी साडी आत्मा अंश है। जद कोई पूरा गुरु मिल जांदा है, इस रस्ते ते पा दिंदा है, उस नाम दे नाल जो कण कण दे विच व्यापक है जोड़ दिंदा है। अवर होम इज सचखंड एंड अवर सोल इज
the essence of Satnam? When do we get the realization that our home is Sachkhand and our soul is the essence of Satnam? Only when we meet a perfect master, and only when he puts us on this path. कर दर मंदर जाने सोई जिस पूरे गुर ते सो जी होई कायांगड़ महल महली प्रभ साचा सच साचा तख्त रचाया। शरीर एक महल है, इस दे अंदर परमात्मा दा तख्त है, आप ही उस ते विराजमान है। दिस बॉडी इज अ पैलेस एंड विद इन दिस पैलेस इज द थ्रोन ऑफ गॉड ऑलमाइटी एंड ही हिमसेल्फ इज सिटिंग ओवर देयर। कायांगड़ महल महली प्रभ साचा सच साचा तख्त रचाया चतर दस हाट दीवे दोए साखी सेवक पंच नाही बेख चाकी। हुण गुरु नानक देव जी महाराज बड़े प्यार नाल कहिंदे है कि जो पंज शब्द की कमाई करता है, शब्द नूं प्रगट कर लैंदा है, वो 14 लोक विच जो माया दी जहर फैली हुई है वो चखदा निगाह इस तो बच के अंदर जाता है। नाउ गुरु नानक देव जी वेरी लविंगली सेज दैट ही हु मेडिटेट्स ऑन द 5 शब्द, he who manifests that shabad within him, he does not even taste the poison which is spread all over the 14 worlds. He goes beyond that, he does not pay any attention to the poison which is spread all over the 14 worlds. Jo mahatma sanu sangat de andar discipline sikhaunde hai ke vi pyareo istri ik hi hundi hai, mard ik hi hunda hai istri vaste, और काम भरी अख नाल पराई स्त्री नूं तकना पाप है, और स्त्री किसी मर्द नूं तके बुरी अख नाल तो वह भी एक पाप है। मास्टर्स इन देयर सत्संग टीच अस द डिसिप्लिन, दे टेल अस दैट देयर इज ओनली वन वाइफ फॉर अ हस्बैंड एंड देयर इज ओनली वन हस्बैंड फॉर अ वाइफ। इफ वन लुक्स एट द अदर वुमेन विथ लियर और विथ lusty thoughts in his eyes, it is a sin. If a man looks at another person's wife with the lust, that is sin. In the same way, if a woman looks at a man with lust, that is also a sin. Guru Arjan Dev Ji Maharaj kende par tereya roop na pekhe netar sadh ki tehel sant sang het. Guru Arjan Dev Ji Maharaj says that one should not look at the other woman with the lust in his eyes. One should always remain in the company of the master and always live up to the teachings of the master. Bhai Gurdas kende hai dekh paraiyan changiyan tiyan paina maavan jana hai. Bhai Gurdas says that when you look at the other women, you should understand them as your daughters, sisters and mothers. To pyareo jo is duniya de vich asthool duniya de vich qaim nahi ga, oh andar sukshm de vich ja ke kis tarah qaim reh sakda hai, ਇੱਥੋਂ ਨਾਲੋਂ ਨੂਰੀ ਔਰਤਾਂ ਸੂਖਸ਼ਮ ਔਰਤਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਹਨ, ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਮਰਦ ਸੋਹਣੇ ਹਨ। ਸੋ ਡੀਅਰ ਵੰਸ, ਹੀ ਹੂ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਡਿਸਿਪਲਿਨਡ ਇਨ ਦਿਸ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਰਲਡ, ਹਾਊ ਵਿਲ ਹੀ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਮੇਨਟੇਨ ਦ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਵੈਨ ਹੀ ਗੋਜ਼ ਇਨ ਦੀ ਇਨਰ ਵਰਲਡਸ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਨ ਦੀ ਇਨਰ ਵਰਲਡਸ ਇਨ ਦੀ ਆਸਟਰਲ ਐਂਡ ਦ ਕੌਜਲ ਪਲੇਨਸ ਓਵਰ ਦੇਅਰ ਦ ਰੇਡੀਐਂਟ ਵਿਮਨ ਆਰ ਮੋਰ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਦੈਨ ਦ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਿਮਨ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੰਦਰਲੇ ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਦ ਮਾਸਟਰਸ ਫਸਟ ਮੇਕ ਦ ਡਿਸਾਈਪਲ ਸਟਰੋਂਗਰ ਐਂਡ ਦੈਨ ਦੇ ਟੇਕ ਦੈਮ ਥਰੂ ਦੀ ਇਨਰ ਪਲੇਨਸ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ 14 ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜੋ ਮਾਇਆ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ,
कहन लगे जो पंज शब्द की कमाई करता है उन्हें ये विष्णु चख्या तक भी नहीं. So that is why Guru Nanak Dev Ji says that the poison of the Maya and the poison of the pleasures which is spread in all these 14 worlds, he who does the meditation of the five Shabbats, five names, he does not even taste them. Chatar das haat dive doe saaki सेवक पंच नाही बेख चाखी अंतर वसत अनूप निर्मोलक गुर मिलिए हर तन पाया. आप प्यार ना कहते हैं थोड़े अंदर बड़ी अमोलक वस्तु है, अजीब वस्तु है, सोहनी वस्तु है, लेकिन इस वस्तु नूं तुसी तद ही पा सकते हो जिन जब तुसी गुरु नूं मिलते हो और गुरु की दसी हुई हदायत देते चलते हो. लविंगली ही से दैट विद इन यू दैट इज अ वेरी प्रेशियस थिंग, इट इज वेरी यूनिक थिंग, इट इज वेरी ब्यूटीफुल थिंग, बट यू कैन गेट दैट प्रेशियस ब्यूटीफुल थिंग ओनली वैन यू मीट द मास्टर. And only when you do what your master tells you. अगर कोई कौड़ियाँ ले फिरदा है आपा उस तो कौड़ियाँ लेइए वो देन वास्ते तैयार नहीं होएगा, लड़न नू तैयार हो जाएगा. जे उहदे हाथ विच आपा डालर पकड़ा दिए कौड़ियाँ दी मुठ जिहड़ी है अपने आप ही ढिली हो जाती है. Suppose if someone is carrying shell or the useless things in his hands and he's playing with it, if we want him to give that to us, he will not give it to us, he will get upset. But if we give him the dollars, if we give him more precious things in his hand, very easily he will give up the shell, the useless things which he is carrying. Isse tarah sant mahatma sanu pyar na kehnde hai ke tusi kamai karke andar jao tuhanu andar is to pyariyan cheezan milngiyan tusi utthe phir dolonge nahi. That is why saints and mahatmas lovingly tell us that you do the meditation of Naam and go within, because in the within you will get more beautiful, more precious things than what you are involved in this world, and then you will not waver. Maharaj Savan Singh misal dende hunde sige ki agar koi sanu eh keh deve ki America de andar jaidadaan muft mildiyan han, sari duniya taiyar ho jayegi, lekin sant kehnde hai keemti vastu अनूप वस्तु थोड़े अंदर है, कोई अंदर जाने वास्ते तैयार नहीं होता. मास्टर सावन सिंह जी यूज्ड टू से दैट इफ समवन सेज दैट इन अमेरिका यू विल गेट द प्रॉपर्टी, यू विल गेट द वेल्थ विदाउट पेइंग फॉर इट, देन ऑल दिस वर्ल्ड विल बी रेडी टू कम टू अमेरिका. बट दैट प्रीशियस थिंग विच इज विद इन अस, दैट ब्यूटिफुल यूनिक थिंग विच इज प्रेजेंट विद इन अस, नो वन इज द टेकर ऑफ दैट. संत यह भी नहीं कहते कि तुम कले जाओ, बल्कि वो कहते असं हर कदम पर थोड़े नाल हैं. Saints don't even say that you have to go there or you go within by yourself. At every single step, they are with us. Antar vasat anup nirmolak gur miliye har tan paya takht bah takht ki la को पंच समाए गुर मत पाए को आद जुगादी है पी हो सी सेंसा परम चुकाया. ओ परमात्मा दा पिछे गुरु नानक दस के आए सीगे कि ये शरीर एक महल है, ये अंदर उस परमात्मा का तख्त है, खुद वो बैठा है. हुण आप कहन लगे जो पंच शब्द की कमाई करता है उस तख्त देते वो ही लायक है बैठन दे, वो ही बैठता है. अर्लीयर इन दिस हिम गुरु नानक साहब हैड सेड दैट दिस बॉडी इज द पैलेस इन विच देयर इज अ थ्रोन एंड गॉड ऑलमाइटी हिमसेल्फ सिट्स ऑन दैट थ्रोन. नाउ ही सेज दैट ही हु डज द मेडिटेशन ऑफ द फाइव शब्द्स, he who does the meditation and goes within, only he deserves to sit on that throne. Guru Nanak kehnde oh parmatma hai vi again vi usse ne rehna hai aa jagat te turya aunda hai. Guru Nanak sahab says that god is present now
he will be present in future. He has always been present in the beginning and in the end, he is always present. जो पंचर दा रस्ता है ये किसी भी संत दी अपनी कीर्तनी ना कबीर साहब दी ना गुरु नानक देव दी ना मौलाना रूम दी ना समस्त बरेई दी बड़े बड़े चोटी दे महात्मा होए है सारे यही दसदे आए है कि ईश्वर कीर्त है ये परमात्मा ने खुद अपना रास्ता बनाया है. This way of the five shabads or this path of the five shabad is not the creation of any master. Neither it was created by Guru Nanak, Kabir, Shams Tabriz or Maulana Rum. Many great masters have come into this world and they all have said that this path is the creation of God Almighty. आद जुगादी है पीहोसी सेंसा परम चुकाया ताकत सलाम होवे दिन राती ए साच वडाई गुरमत लिव जाती. गुरमुखा नु पता है वो अंदर जाके वो परमात्मा नु मिल जांदे है कि किस तरह खंड ब्रह्मांड सारे उस दे अगे नमस्कार करदे हन. गुरुमुख्स दोज हु गो विदिन एंड बिकम वन विद गॉड ऑलमाइटी दे नो दैट हाउ ऑल द खंड्स ब्रह्मांड्स ऑल द डिफरेंट डिविजंस और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दिस क्रिएशन हाउ the creatures of all these different divisions of this creation bow down at the feet of God. Taakat salam hove din raati e saach vadai gur mat lev jaati nanak ram japo tar tari hare ant sakhai paaya. Guru Nanak sahib kende hai tusi naam di kamai karo je tu shanti chahunde ho je us parmatma nu pauna chahunde ho sab to pehla guru kole jao नामदान प्राप्त करो फिर तुसी कमाई करो अंदर जाके सच्चाई नु खुद देखो. गुरु नानक साहब से दैट इफ यू वांट द पीस यू मेडिटेट ऑन द नाम इफ यू वांट टू सर्च फॉर गॉड इफ यू वांट टू मीट गॉड गो टू द परफेक्ट मास्टर गेट द नाम फ्रॉम हिम एंड डू द मेडिटेशन ऑफ इट एंड गोइंग विद इन सी द रियलिटी विद योर ओन आईज. सो सानू भी चाहिए है तनो मनो दिल लाके ईमानदारी नाल नाम जपिए और अपनी आत्मा नु शांति दीजिए. सो विथ ऑल अवर माइंड एंड बॉडी होल हार्टेडली एंड सिंसियरली वी शुड ऑल्सो डू द मेडिटेशन ऑफ नाम एंड गिव पीस टू आवर सोल. संत कहंदे अज दा काम कल ते ना पाओ कि मैं कल नु भजन कर लूंगा. प्यारे कल नु भी जिस मन ने अज तुहानु सलाह दित्ती है वो थोड़े पास होएगा. Masters say that do not procrastinate your work of today on tomorrow. Don't postpone your work of today for tomorrow, because tomorrow the same mind is going to be with you and he will again make you do the same thing. On Tuesday morning at 7 a.m., the Master will preside over the initiation into the light and sound. So the time has come for those who are still considering initiation to submit their applications. These applications must be reviewed and approved. They're available at the information booth, and you'll receive instructions where to go for the interview to have them reviewed when you pick them up. After breakfast tomorrow morning, there will be a list posted
of those individuals whose applications have already been approved. If your name is not on that list, you are to come to the interview area at 10:15. Individuals also interested should come at that time with their applications. Also, if the Spanish-speaking lady that is interested in initiation would make herself known to me sometime this evening or tomorrow morning, I'd appreciate that. And the Bhajan's master says that the master came to cool down the heated heart. And for those of us who have been waiting for him for so long to visit us, I think that he comes also to thaw out the partially frozen hearts. And in whichever way he is touching our hearts, the degree to which we can remain receptive and in silence after the satsangs, I think it will allow the master to touch us that much more deeply. And if those interested in entering into discussion could refrain from doing so until they get to the other side of the bridge after satsang each evening, I think it would be very helpful and also respectful for those individuals that wish to continue to meditate. लके लके तीरत नाले तेरी मुक्ति न हानि सतसंग तो बिना तेरी मुक्ति न हानि सतसंग तो बिना भावे लके लके तीरत नाले तेरी मुक्ति न हानि सतसंग तो बिना तेरी मुक्ति नानि सतसंग तो बिना नावन चाले तीरती नावन चाले तीरती मन को ते तन चोर तेरी मुक्ति नानि सतसंग तो बिना तेरी मुक्ति नानि सतसंग तो बिना भावे लके लके तीरत नाले तेरी मुक्ति नानि सतसंग तो बिना तेरी मुक्ति नानि सतसंग तो बिना एक बोलाती नातिया एक बोलाती नातिया दो बो चर गई और तेरी मुक्ति नानि सतसंग तो बिना तेरी मुक्ति नानि सतसंग तो बिना भावे लके लके तीरत नाले तेरी मुक्ति नानि सतसंग तो बिना तेरी मुक्ति नानि सतसंग तो बिना बारांदोती तुम्बरी बारांदोती तुम्बरी अंदर विष
कृष्ण कर तेरी मुक्ति न हानि सतसंग तो बिना तेरी मुक्ति न हानि सतसंग तो बिना भावे लक लक तीरत नाले तेरी मुक्ति न हानि सतसंग तो बिना तेरी मुक्ति न हानि सतसंग तो बिना सद बाले अननातिया सद बाले अननातिया चोर से चोरा चोर तेरी मुक्ति न हानि सतसंग तो बिना तेरी मुक्ति न हानि सतसंग तो बिना भावे लक लक तीरत नाले तेरी मुक्ति न